साथियों, इस वक्त हम आए हुए हैं ब्लिस एक्वा वाटर पार्क में और हम अंदर जाते हैं, टिकट का प्राइस पूछते हैं, क्या प्राइस है वो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चलिए अंदर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस वाटर पार्क में घूमने के लिए आना चाहते हैं तो ये गुजरात के अहमदाबाद से 85 किलोमीटर और मेहसाणा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए अंदर जाते हैं, टिकट का प्राइस पूछते हैं, टोटल कितना खर्चा होगा, कौन कौन सी राइड्स हैं, कौन कौन सी स्लाइड्स हैं, बच्चों के लिए कौन सी अलग से फैसिलिटी है, वुमेन्स और फैमिली के लिए क्या अलग है और अन्य बॉयज़ और मेंस के लिए क्या अलग है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या प्राइस है अपनी टिकट की? पर पर्सन 1000 रुपए है। 1000 इस टिकट में एंट्री और राइड रहेगी, लॉकर का, क्वेश्चन का और खाने पीने का चार्ज अंदर अलग से लगेगा। सोमवार से रविवार तक सब एक ही प्राइस है कि अलग अलग रहती है? सोमवार से शनिवार तक 800 रहता है और संडे का 1000 रहता है। प्रत्येक व्यक्ति की टिकट प्राइस सोमवार से शनिवार तक 800 रुपये और रविवार को 1000 रुपये हैं। 3 फीट की कम हाइट वाले बच्चों की एंट्री फ्री है। लॉकर और कॉस्ट्यूम का अलग से चार्ज दे हैं, जो हम आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर इस टिकट को चेक किया जाता है और हाथ की कलाई पर बांधा जाता है। ये टिकट वाटरप्रूफ होता है, अपन पानी में कितना भी स्नान करें, कितना भी इसको भिगाएं, लेकिन ये फटेगा नहीं। इसके साथ साथ अपने शरीर को चेक किया जाता है, अपने पास में बैग होता है, उसको भी इसी ही प्रवेश द्वार पर चेक किया जाता है। अंदर खाने पीने की कोई भी वस्तु है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, धूम्रपान करने की कोई भी वस्तु है, अंदर लेके जाना मना है। ये सारी सुविधा अंदर अवेलेबल है। लॉकर की क्या प्राइस है? लॉकर की 250 प्राइस है सर। 250 और 150 उसका 150 रेंट है और 100 रुपए डिपॉजिट है। डिपॉजिट बाद में वापस मिल जाएगा ना? आप शाम को आओगे तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। लॉकर और कॉस्ट्यूम काउंटर से हमने लॉकर और कॉस्ट्यूम का टिकट प्राप्त किया। लॉकर की टिकट 150 रुपये और 100 रुपया डिपॉजिट, कॉस्ट्यूम का 150 रुपये और 150 रुपया डिपॉजिट है। टोटल खर्च की बात की जाए तो 1000 रुपया शुरुआत में एंट्री टिकट का था, 150 रुपया लॉकर का है और 150 कॉस्ट्यूम का है, 300 ये और 1000 वो, 1300 रुपये। उसके अलावा अंदर आप जो भी भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, उसका जो भी चार्ज रहेगा वो अतिरिक्त रहेगा। जैसे भोजन की बात करें तो 150 रुपये से स्टार्ट होता है, जो आप 300 400 जितना भी लेंगे वो होगा। मेंस और वुमेन्स के लिए लॉकर और चेंजिंग रूम अलग अलग है। हम हमारे इस लॉकर और चेंजिंग रूम में आ चुके हैं। आपको वहाँ से जो घड़ी जैसा बैंड दिया जाता है वो इस लॉकर के सामने रखना पड़ता है, लॉकर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। इसके अंदर आप 3 से 4 व्यक्तियों का सामान आराम से अंदर रख सकते हैं। अब हम कपड़े चेंज करके बाहर आ चुके हैं, चलते हैं अगली राइड्स की ओर। यहाँ पर अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए हैं, हमें जिस ओर जाना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पास में यहाँ पर एक नदी दिखी जिसका नाम यहाँ पर क्रेजी रिवर है, लेकिन ये अभी बंद थी। इसका समय आज की तारीख में 1:30 से 2:30 बजे जेंट्स और 2:30 बजे से लगाकर 3:30 बजे तक लेडीज और फैमिली के लिए है। आप यहाँ पर आए तब क्रेजी रिवर का एक बार समय कन्फर्म जरूर करें। ब्लिस एक्वा वाटर पार्क की 2 सबसे खतरनाक राइड्स, जिसमें से ये सबसे पहली राइड ये है जो हम करने वाले हैं। इसके बाद में दूसरी राइड इसी के पास में ही स्थित है, वो भी करेंगे। चलिए इस राइड को भी करते हैं। पग 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 रे माता पग मेलो हाँ यू ये दूसरी सबसे खतरनाक राइड्स मानी जाती हैं। जो ये दोनों राइड्स हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पर हैं। ओ माय गॉड,
आऊंगी नहीं आऊं। अब हम इसके पास वाले ये स्लाइड्स करते हैं, इसके लिए हमें ये वाला जो इसके ऊपर बैठते हैं वो साथ में लेकर ऊपर जाना पड़ता है। चलिए ये स्लाइड्स करते हैं। अब दोपहर का 1:30 बज गया था तो क्रेजी रिवर का समय हो चुका था, तो हम क्रेजी रिवर के अब राइड्स करने के लिए जाते हैं। क्रेजी नदी की राइड पूरी करने के बाद में हम भोजन करने के लिए चले गए। वहाँ पर हमने पाव भाजी ली जिसकी प्राइस 150 रुपये थी, 20 रुपये अतिरिक्त पाव का था, तो हमने 170 रुपये में एक अतिरिक्त पाव के साथ में पाव भाजी ली। हम पाव भाजी खाकर अगली राइड्स की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार से आए हैं तरीके से हम। अलग अलग राइड्स हैं यहाँ पर। पीछे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। गजब की लाइटिंग।
एक बहुत बड़ा दरिया है जिसे आप समुंदर कह सकते हैं, बीच कह सकते हैं या तालाब कह सकते हैं, इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर जाने का समय ये होता है कि हर एक घंटे आधे घंटे के अंतराल में एक सायरन बजता है। इस सायरन बजने के बाद में सब लोग इसके अंदर आते हैं और बड़ी बड़ी लहरें चालू कर दी जाती है और लोग इसका आनंद उठाते हैं। ये किड्स जोन है, इस पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इस पर स्लाइड्स करते हैं, राइड्स करते हैं और यहाँ का आनंद उठाते हैं। अपने परिवार वालों के साथ में भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। बच्चों के लिए अलग से यहाँ पर छोटी छोटी राइड बनाई गई हैं। दोस्तों, ये थी ब्लिस एक्वा वाटर गार्ड की कुछ प्रमुख राइडें और स्लाइडें जिसका हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। और अंत में हम अपने कपड़े चेंज करके जो यहाँ पर जो कॉस्ट्यूम काउंटर हैं वहाँ पर हमने जमा किए और उसके बाद में हम चले गए जो हमने लॉकर और कॉस्ट्यूम का टिकट प्राप्त किया था वहाँ पर, और वहाँ से हमें जो डिपॉजिट दिया था वो हमें डिपॉजिट वापस दिया गया। आप इस वाटर पार्क की यात्रा कर रहे हैं तो सुबह 10 बजे ज़रूर पधारें और इसका समय है 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक, तो आप सभी राइड्सों को पूरा कर पाएंगे। हम दोपहर को 12 बजे आए थे इसलिए हम कुछ राइडों को नहीं कर पाए हैं, इसलिए आप 10 बजे ज़रूर पधारें। ये थी आज की हमारी ब्लिस वाटर पार्क की वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाला टाइम में ऐसी नई अपडेट मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।